नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज वट सावित्री पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं पर्व को लेकर महिलाओं ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए अपने अपने पतियों की दीर्घायु होने की कामना की। आपको बता दें, इस पर्व को लेकर रामनगर के अधिकांश मंदिरों में महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना की, तो वहीं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद पुजारी द्वारा महिलाओं को वट सावित्री व्रत को लेकर कथा सुनाई गई, साथ ही इस व्रत के महत्व की जानकारी दी गई। पूजा अर्चना करने पहुंची महिला भावना भट्ट ने बताया कि ये व्रत सुहागिन महिलाएं रखती है और पूजा अर्चना के बाद शाम को जल ग्रहण करने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। आज महिलाएं इस मंदिर में पर्व को लेकर कुमाऊनी परिधान में सज धज कर पहुंची थी और उन्होंने अपने पतियों की दीर्घायु होने की कामना करने के साथ ही परिवार में सुख शांति को लेकर भगवान से प्रार्थना की। पैतृक त्यौहार या मतलब उसे जो माना जाता है, त्यौहार ही माना जाता है, जिसमें अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, जिसमें महिलाएं सुबह ही नहाना धोना स्नान आदि करके अपनी पूरी पकवान जो बना सकता है और फल फूल लेकर मंदिर में पूजा की जाती है। वैसे तो वट वृक्ष को लेकर हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन होता है कि हम एक सामूहिक रूप से व्रत को करें तो बहुत अच्छा लगे। रामनगर में शुक्रवार को वट सावित्री के व्रत को लेकर महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा अर्चना कर पति के दीर्घायु होने की कामना की। आपको बता दें कि शुक्रवार को रामनगर में सिद्धेश्वर महादेव स्थित वट वृक्ष के नीचे महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पहुंची और वट वृक्ष की पूजा करते हुए वहाँ मौजूद पुजारी द्वारा इस व्रत की महत्वता को लेकर कहानी सुनाई गई और महिलाओं ने आज इस त्यौहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं वट वृक्ष का व्रत रखने के दौरान भावना भट्ट ने बताया कि यह व्रत अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है और सुबह से ही महिलाएं अपने घरों में पकवान बनाकर व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं और आज कथा के बाद पूजा अर्चना के बाद अपने घरों को रवाना होंगी, जहाँ शाम को जल मुंह में लेकर व्रत का जो है समापन करेंगी। और उन्होंने बताया कि उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आज के इस पर्व का समापन किया जाएगा। पर्व को लेकर रामनगर में महिलाओं को खासा उत्साह देखने को मिला। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में भी महिलाओं द्वारा वट सावित्री वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरा मैन बंटी अरोड़ा। ये खबर तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।